अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली में फैक्टर्स अफेक्टिंग रीनल एक्सक्रीशन एंड नॉन रीनल एक्सक्रीशन के बारे में है, लेकिन फर्स्ट आई वुड लाइक टू शेयर सम की पॉइंट्स जो कि एसिडिक एंड बेसिक ड्रग्स के बारे में है कि इनकी एक्सक्रीशन किस तरह हो रही होती है। तो हम क्योंकि एसिडिक एंड बेसिक ड्रग्स को हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं एंड अगेन हमने इफेक्ट ऑफ पीएच और एसिडिक ड्रग्स एंड बेसिक ड्रग्स को डिटेल में डिस्कस किया था फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन में। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस वीडियो में जो डिस्कस हो रहा है वो समझ आए। दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इसकी एसिडिक ड्रग की एक्सक्रीशन कैसे हो रही है एंड बेसिक ड्रग की किस तरह हो रही है। तो वीकली एसिडिक जो ड्रग्स होती हैं उनके पास फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है, तो वो होता है कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड का जो होता है। एंड देन वीकली बेसिक जो होती है इनके पास कौन सा होता है, अगर हम देखें तो हमें पता है कि बेसिक ड्रग्स के बाद हाइड्रोक्सिल होता है या अमाइन ग्रुप होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हमारे पास है कि आयनाइज्ड इन बेसिक मीडियम। बेसिक ड्रग्स आर आयनाइज्ड इन एसिडिक मीडियम। तो ओके, ये पॉइंट हमने लिख दिया। अब इस पॉइंट को समझने के लिए आपको मैं इसलिए बोल रही हूँ बार बार कि आप वो वीडियो देख लें जिसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन में, उसमें इफेक्ट ऑफ पीएच में आपको ये दोनों चीज़ें जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगी। अभी हो सकता है आपको शायद ना समझ आ रही हो। तो आयनाइज्ड इन बेसिक मीडियम, आयनाइज्ड इन एसिडिक मीडियम। अब हमने क्योंकि एब्जॉर्प्शन के वक्त ये डिस्कस किया था कि ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए अनआयनाइज्ड फॉर्म में होना बहुत ज़रूरी है। अनआयनाइज्ड का मतलब उसमें कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। अब यहाँ आयनाइज्ड हम कह रहे हैं, आयनाइज्ड का मतलब ड्रग में चार्ज है या पॉजिटिव या नेगेटिव। तो हमने कहा था कि जो ड्रग अगर एसिडिक ड्रग है तो उसको एसिडिक मीडियम चाहिए एब्जॉर्ब होने के लिए। तो हमने देखा था एसिडिक ड्रग की एग्जांपल देखी थी एस्पिरिन, एंड स्टमक में हमारा एसिडिक इन्वायरमेंट होता है तो वो स्टमक में मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो रही थी। क्यों एब्जॉर्ब हो रही थी, वो इसलिए एब्जॉर्ब हो रही थी क्योंकि ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए अनआयनाइज्ड होना ज़रूरी है, उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। और जब उसको अपना फेवरेबल पीएच मिल जाता है, एसिडिक ड्रग को एसिडिक एनवायरनमेंट मिल जाता है, वो अनआयनाइज्ड होती है, वो एब्जॉर्ब हो जाती है। तो सिमिलरली बेसिक ड्रग्स की अगर हम बात करें तो वो भी आयनाइज्ड हो जाती हैं, चार्ज ले लेती हैं एसिडिक मीडियम में। लेकिन अगर वो बेसिक ड्रग है उसको बेसिक एनवायरनमेंट मिल रहा है, बेसिक मीडियम मिल रहा है, तो वो अनआयनाइज्ड रहती हैं, उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। यहाँ पर हम एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं, हमें ड्रग को एक्सक्रीट कराना है, एब्जॉर्ब नहीं कराना। एब्जॉर्प्शन के हमने वक्त कहा था कि ड्रग अनआयनाइज्ड होनी चाहिए, उस पर कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। अब हम एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं तो एक्सक्रीशन में हमें ड्रग के ऊपर चार्ज चाहिए, हमें चाहिए कि वो आयनाइज हो जाए ताकि वो एब्जॉर्ब ना हो, ताकि वो एक्सक्रीट हो जाए। तो उसको एक्सक्रीट कराने के लिए हम उसको उसके ऑपोजिट मीडियम में ले जाते हैं ताकि उसके ऊपर चार्ज आ जाए। चार्ज आ जाएगा तो वो आयनाइज हो गई, फिर वो एक्सक्रीट हो जाएगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी बॉडी में। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा, और अभी भी नहीं आया तो आप वो वीडियो देख लें तो उसमें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट, एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन इंक्रीजेस रीअब्सॉर्प्शन एंड डिक्रीजेस एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, ये बात अभी मैंने आपको कही कि अगर हम ड्रग को एक्सक्रीट कराना चाह रहे हैं तो हम उसको ऑपोजिट मीडियम में ले जाते हैं ताकि वो आयनाइज हो जाए, ताकि उसके ऊपर चार्ज आ जाए और वो एक्सक्रीट हो जाए। लेकिन अगर एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन है, यूरिन जो है वो हमारा एसिडिक है जो कि नॉर्मली एसिडिक ही होता है, लेकिन अगर एसिडिक है और तो ड्रग इंक्रीज़ कर देगा रीअब्सॉर्प्शन। हमने कहा था एब्जॉर्प्शन के लिए ड्रग का अनआयनाइज होना ज़रूरी है, और वो अनआयनाइज कब होती है, उसमें चार्ज कब नहीं होता, जब उसको अपना फेवरेबल एनवायरनमेंट मिल जाए, एसिडिक ड्रग को एसिडिक एनवायरनमेंट मिल जाए। यहाँ एसिडिक ड्रग है, उसको एसिडिक एनवायरनमेंट मिल गया तो वो एक्सक्रीट नहीं होगी, इट विल डिक्रीज एक्सक्रीशन, इट विल इंक्रीज द रीअब्सॉर्प्शन, जो कि हम नहीं चाहते। अगर वो रीअब्सॉर्ब हो गई तो वो टॉक्सिक इफेक्ट शो करने लग जाएगी, साइड इफेक्ट शो करने लग जाएगी, विच इज़
विच वी डोंट वॉन्ट, तो हम क्या करते हैं, हम एल्कलाइजेशन करा देते हैं. एल्कलाइजेशन डिक्रीजेज एब्जॉर्प्शन, डिक्रीजेज एब्जॉर्प्शन एंड इंक्रीजेज एक्सक्रीशन. ठीक है, ये वही पॉइंट को हमने उल्टा करके लिख दिया कि एसिडिफिकेशन इंक्रीज करेगी एब्जॉर्प्शन को, तो एल्कलाइजेशन जो है वो डिक्रीज करेगी. यहाँ एसिडिफिकेशन डिक्रीज करी एक्सक्रीशन को, तो यहाँ एल्कलाइजेशन इंक्रीज कर देगी एक्सक्रीशन को, जो कि हम चाहते हैं. हम ये वाला पॉइंट चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते. ठीक है, तो अब हम ये किस तरह करवाएंगे उसकी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. एस्पिरिन हमने कहा था कि एस्पिरिन जो है वो एक एसिडिक ड्रग है, स्टमक में 99% अब्जॉर्ब हो जाती है क्योंकि स्टमक इज़ एसिडिक. वहाँ वो जो है वहाँ वो अनाइनाइज हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है. सैलिसाइलेट इसका नाम है एंड इट इज़ अ वीक एसिड. अगर इसकी ओवरडोज हो गई, किसी ने गलती से ज़्यादा खा ली, ओवरडोज हो गई, अब जाहिर सी बात है ओवरडोज होने एक बहुत ख़तरे की बात है कि मतलब साइड इफ़ेक्ट, टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स एंड ऑल. ओवरडोज हो गई है अब, तो हम क्या करें, हम इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे? तो वो इस तरह होता है कि हम जो है वी मेक द यूरिन एल्कलाइन, मोर एल्कलाइन. बट हाउ, हम कैसे उसको एल्कलाइन करते हैं? तो हम जो है पेशेंट को सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन लगा देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इमरजेंसी में पेशेंट आ रहा है, अब उसने ओवरडोज कर लिया, रख किया आपने उसका स्टमक वॉश कर लिया, आपने उसको चारकोल कंटेनिंग फूड खिला दिया. अब चारकोल को भी हम डिस्कस किया है हमने बहुत डिटेल में फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन में, तो आप वो वीडियो देख लें अगर आपको नहीं पता. चारकोल कंटेनिंग फूड खिला दिया आपने, सब कुछ करके देख लिया, लेकिन ड्रग फिर भी क्योंकि पूरे बॉडी में फैल चुकी है, अब उसने एक्सक्रीट होना है, तो आपने सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन लगा देना है. ये क्या करेगी, ये यूरिन को एल्कलाइन कर देगी. यूरिन एल्कलाइन होगा तो क्या होगा, डिक्रीज एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, इंक्रीज एक्सक्रीशन हो जाएगी, विच वी वॉन्ट, कि हम चाहते हैं ड्रग एक्सक्रीट हो जाए ताकि टॉक्सिक इफेक्ट ना प्रोड्यूस हो. अब देखिए जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है ना, उसको हम उल्टा करके यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेसिक ड्रग्स के लिए. तो हमने यहाँ का एसिडिफिकेशन जो है यूरिन की, वो एसिडिक ड्रग की रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ाएगी, एक्सक्रीशन को कम करेगी. तो यहाँ हम लिखेंगे कि एल्कलाइजेशन जो है बेसिक ड्रग की ऑफ यूरिन जो है वो बढ़ा देगी, विल इंक्रीज रीअब्सॉर्प्शन एंड डिक्रीज एक्सक्रीशन. ठीक है, सेम पॉइंट को हमने लिख दिया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ एसिडिफिकेशन था एसिडिक ड्रग के लिए, यहाँ बेसिक के लिए एल्कलाइजेशन. अब यहाँ हमने लिखा था कि अगर हम एल्कलाइजेशन करा देंगे तो रीअब्सॉर्प्शन कम हो जाएगी, एक्सक्रीशन बढ़ जाएगी. यहाँ हम एसिडिफिकेशन लिखेंगे क्योंकि हमने कहा है कि हम ड्रग को एक्सक्रीट कराएं, तो हमें उसके ऑपोजिट एनवायरमेंट में उसको लेके जाना है ताकि उसके ऊपर चार्ज आए और फिर वो एक्सक्रीट हो जाए. तो इंक्रीज एक्सक्रीशन, हाँ इंक्रीज एक्सक्रीशन एंड डिक्रीज रीअब्सॉर्प्शन. ठीक है, इसी पॉइंट को हमने उल्टा करके यहाँ लिख दिया. अब इसकी भी एक एग्जांपल देखते थे कि अगर किसी पेशेंट ने खा ली है ड्रग एम्फिटामिन, सही है, ये ड्रग उसने ओवरडोज कर लिया, अब आप किस तरह से करेंगे? सेम यहाँ जो हमने एग्जांपल देखी है उसी तरह होगा. यहाँ पे आप अमोनियम क्लोराइड भी दे सकते हैं जिससे आयरन ट्रैपिंग होगी एंड देन सेम ड्रग एक्सक्रीट होने में आसानी होगी. ये थे कुछ की पॉइंट्स एसिडिक एंड बेसिक ड्रग के जो हमने डिस्कस कर लिए. आई होप आपको समझ आ गया हो, एंड अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे तो जो जो वीडियो के मैंने आपको लिंक्स बताए हैं वो आप चेक कर लें, उसके बाद तो आपको 100% समझ आ जाएगा. नाउ अब हम जल्दी से फैक्टर्स देख लेते हैं एक्सक्रीशन के, विच आर क्वाइट सिंपल, जो कि हमारा आज का टॉपिक था फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सक्रीशन. फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सक्रीशन, अब सबसे पहला जो है वो हमारे पास है
फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, इसमें मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा, पीएच आ जाएगा, फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज़। सो इसमें अगर हम मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो ड्रग का मॉलिक्यूलर वेट शुड नॉट बी मोर देन 300। अगर 300 से ज़्यादा होगा, 300 है सही है, वाटर सॉल्युबल है ड्रग, और तो वो एक्सक्रीट हो जाएगी किडनी से। ये लेस देन 300 वाटर सॉल्युबल एक्सक्रीटेड इन किडनी, तो वाटर सॉल्युबल होनी चाहिए ड्रग। मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 300 होना चाहिए फैक्टर। सॉरी, सेकेंड फैक्टर है हमारे पास बाइंडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑफ ड्रग। अब ये बात भी हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं, प्लाज्मा बाइंडिंग प्रोटीन जो है, अगर ड्रग इज़ बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन तो वो नहीं होगी एक्सक्रीट, क्योंकि वो उसने एक्सक्रीट होना ही नहीं है। ये बात हम फैक्टर्स इफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस कर चुके हैं, उसकी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप उसको देख लें, आपको ये पॉइंट बहुत क्लियरली समझ आ जाएगा। कि उधर हमने डिटेल में बात की थी कि प्लाज्मा प्रोटीन, जो ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन से बाउंडेड होती है, वो एक्चुअली एक्सक्रीट होने के लिए नहीं होती है, वो इनर्ट फॉर्म में होती है। जब हमारी ड्रग एक्सक्रीट होती है उसके बाद वो एक्टिव फॉर्म में आती है, तो ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो ड्रग इज़ बाउंड टू प्लाज्मा, तो ये कैन नॉट बी फिल्टर्ड थ्रू ग्रोमेरुलस। तो वो ओनली अनबाउंड ड्रग कैन बी फिल्टर्ड। तो ये हमने दूसरा फैक्टर देख लिया। अब हम तीसरा फैक्टर अगर देखें, सो दैट इज़ बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर में हमारे पास आ जाता है एज, जेंडर। तो जेंडर की अगर हम बात करें तो मेल में बेटर एक्सक्रीशन होती है देन फीमेल्स। एंड एज की बात करें तो एज में यंग पीपल में ज़्यादा अच्छे से एक्सक्रीशन हो जाए, जिनका नेफ्रॉन एक्चुअली सही से काम कर रहा हो, तो उनका एक्सक्रीशन बहुत अच्छे से हो जाती है। एंड फोर्थ वी हैव ड्रग इंटरेक्शन। ड्रग इंटरेक्शन में इंक्रीज ड्रग इंटरेक्शन है तो वो इतनी जल्दी एक्सक्रीट नहीं होगी, डिक्रीज है तो वो अच्छा है, वो एक्सक्रीट हो जाएगी फिर। एंड ऑफ कोर्स देन वी हैव डिजीज स्टेट एंड यूरिन का पीएच, ब्लड फ्लो। जितनी अच्छी ब्लड फ्लो होगी किडनी की, उतनी अच्छी एक्सक्रीशन होगी। यूरिन का पीएच किस तरह इफ़ेक्ट करता है ड्रग की एक्सक्रीशन को, ये हमने यहाँ पे मेन मकसद ही इसको इसके साथ डिस्कस करने का यही था, ताकि आपको ये पॉइंट समझ आए एंड देन यूरिन पीएच का फैक्टर आपको समझ आए। तो ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। डिजीज स्टेट, ऑफ कोर्स अगर लिवर में किसी के प्रॉब्लम है, हेपेटाइटिस है, तो ऑफ कोर्स जब मेटाबॉलिज्म ही ड्रग की सही नहीं हो रही है तो इट विल इफ़ेक्ट द एक्सक्रीशन। तो ये हमने देख लिए फैक्टर्स अफेक्टिंग एक्सक्रीशन एंड द एक्सक्रीशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ड्रग्स। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नॉन रीनल रूट ऑफ ड्रग एक्सक्रीशन को डिस्कस करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन।